नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मुकेश हेल्प में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बद्रीनाथ धाम के मुख्य स्थानों के दर्शन कराऊंगा। आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आप बद्रीनाथ धाम के ऐसे दृश्यों के दर्शन करने वाले हैं जिनके दर्शन शायद ही आपने पहले किए हों। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वीडियो बिल्कुल नई है, जिससे कि आपको ये भी पता लग जाएगा कि वहाँ पर वर्तमान समय में कैसा माहौल है। आज की इस वीडियो में आप बद्रीनाथ धाम मंदिर, बद्रीनाथ भगवान की चरण पादुका, ऋषि गंगा की जलधारा, नर नारायण पर्वत, उर्वशी माता की ऊंची चोटी, अलकनंदा नदी, बर्फ के ऊंचे ग्लेशियर और भी कई जो प्रमुख स्थान हैं उनके दर्शन आप इस वीडियो में कर पाएंगे। और उसके साथ साथ इस वीडियो में मैं आपको एक चमत्कारिक दर्शन भी कराने वाला हूं, जिसका जिक्र मैं अभी नहीं वीडियो में करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि ये सभी दर्शन करके आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बने रहें हमारे साथ और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। दोस्तों, इससे पहले शुरू करें, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इसी तरह हरिद्वार, ऋषिकेश और चार धाम यात्रा की जानकारी पाना चाहते हैं, अच्छे अच्छे स्थानों के दर्शन करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आप शुरू करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत भगवान बद्रीनाथ के चरणों के साथ करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम भगवान बद्रीनाथ के चरण पादुका के दर्शन करने वाले हैं, तो चलते हैं उस स्थान पर। जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है और यही पास में चरण पादुका स्थित है। तो दोस्तों, यहाँ पर चरण पादुका स्थित है और आप भगवान बद्री विशाल के चरण पादुका के दर्शन कर सकते हैं। ये एक दिव्य दर्शन है, जहाँ पर हजारों की संख्या में लोग पहुँचते हैं और यहाँ पर दिव्य दर्शन का पुण्य लेते हैं। और ये स्थान जो है वो बद्रीनाथ मंदिर से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, अब हम दर्शन करेंगे बद्रीनाथ धाम में ऋषि गंगा की जलधारा के। ये एक पवित्र जलधारा है जो कि ऊँचे ग्लेशियर से आती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप ऋषि गंगा के दर्शन कर सकते हैं और अभी हम ऋषि गंगा के वाटरफॉल को भी इस वीडियो में दिखाएंगे। और ये जो आप गुफा के जैसा आपको दिख रहा होगा, इसके बीच से आपको ये जलधारा निकलते हुए दिख रही होगी, यही ऋषि गंगा का मेन जल है जो कि एक पवित्र धारा है। ये जो आप बर्फ के पहाड़ देख रहे हैं, इसी का जल इस धारा में आता है। कितना प्राकृतिक और शांत वातावरण है यहाँ पर, बस ऐसा लगता है कि ये दृश्य बस देखते जाएं, क्योंकि ये एक मनोरम दृश्य है और दिव्य दर्शन भी हैं। अब आप ऋषि गंगा वाटरफॉल को देख सकते हैं। ये है ऋषि गंगा का वाटरफॉल, जो कि एक बहुत ही अच्छा आपको वाटरफॉल दिख रहा होगा। बहुत ही तेज फ्लो के साथ इसमें जल आ रहा है और ये जो ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर है चारों ओर, इन्हीं का जो जल पिघलता है उसी का जल है। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को लाइक करने के साथ आगे शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, अब आप बद्रीनाथ धाम के कुछ अच्छे दृश्य देख सकते हैं। ये पूरा एक एरिया है जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते भी हैं, तो आप यहाँ के पहले दर्शन आप कर सकते हैं, यहाँ के खूबसूरत दृश्य आप देख सकते हैं। इसी के पास सतोपंत और वसुधारा के लिए रास्ता जाता है। ये जो पहाड़ आपको दिख रहे हैं, इन्हीं के मध्य वो रास्ता है। और अब आप नीलकंठ के दर्शन कर सकते हैं। बद्रीनाथ धाम में नीलकंठ नाम का एक पर्वत है और यहीं पर उर्वशी माता के नाम की एक पर्वत श्रृंखला भी है, तो ये देख सकते हैं, ये है उर्वशी माता की पर्वत श्रृंखला। और यहाँ पर जो पर्वत दिख रहे हैं, इनको माना जाता है कि लक्ष्मी नारायण लेटे हुए हैं।
और यहाँ पर आपको आमने सामने दो पर्वत दिख रहे होंगे। इन्हीं के मध्य एक रास्ता ये जो आपको दिख रहा है, यही रास्ता जो है वो सत्तू पंथ के लिए जाता है, जो कि एक बहुत ही प्रमुख यात्रा है। और ये स्थान चरण पादुका से लगभग 3 से 4 किलोमीटर के आसपास है और बद्रीनाथ धाम से लगभग 5 किलोमीटर के आसपास होगा। यहाँ एक बार फिर से ऋषि गंगा के दर्शन आप कर सकते हैं। दोस्तों अब आप नर पर्वत को देख सकते हैं। ये दृश्य बहुत ही ज़्यादा मनोरम है, ऐसा लगता है कि बस देखते जाएं। नर पर्वत पर आपको काफ़ी ज़्यादा बर्फ दिख रही होगी। और आप देखते हैं नारायण पर्वत को, जो इसी पर्वत के सामने है। दोस्तों ये है नारायण पर्वत। और ये है नीलकंठ भगवान का पर्वत। और यहाँ पर आप फिर से एक बार उर्वशी माता की पर्वत श्रृंखला को देख सकते हैं। एक दोस्तों ये एक दिव्य और प्राकृतिक स्थल है। यहाँ पर आपको फिलहाल कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि फिलहाल जो यात्रा है वो बंद है, और इसी वजह से यहाँ का जो वातावरण है पूरी तरह से शांत है। दोस्तों आप भी दिव्य प्राकृतिक स्थल का आनंद लीजिए। दोस्तों अब हम बद्रीनाथ धाम को देखते हैं। मंदिर पूरी तरह से खाली है और यहाँ के आसपास के आप दृश्य देख सकते हैं। और यहाँ पर है माँ अलकनंदा जी। इस पुल को पार करके बद्रीनाथ धाम मंदिर श्रद्धालु जाते हैं, और ये अलकनंदा की जलधारा है जो कि बहुत ही पवित्र नदी है। दोस्तों अब आप चमत्कारिक दर्शन करने के लिए हो जाएं तैयार। ये एक बड़ी शिला है, इसके मध्य में आपको एक नेत्र का आकार दिख रहा होगा। माना जाता है कि ये भगवान शिव का नेत्र है और भगवान शिव भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं। मैं और कोशिश करता हूं कि मैं आपको ये दृश्य दिखा सकूं। अब आप देख सकते हैं कि आपको भगवान शिव का नेत्र सही से दिख रहा होगा। ये नेत्र का आकार है और ये एक दिव्य दर्शन है। कहते हैं कि यहाँ के दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करने के साथ आगे शेयर जरूर करें, ताकि आपके साथ और भी जो लोग हैं वो भी यहाँ के दिव्य दर्शन कर सकें। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय बद्री विशाल।